स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और आज हम आपको हमारे इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं लहसुन की दो प्रजातियाँ। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने कश्मीरी लहसुन की एक वीडियो आपको अपलोड किए थे और जिसमें बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। तो हम आज को दिखा रहे हैं लहसुन की कश्मीर से ही लाई हुई एक वेराइटी है, इसे भी कश्मीरी लहसुन ही कहा जाता है। लेकिन इसका आप देख सकते हैं, ये जो पत्ते अपने आम लहसुन से काफ़ी बड़े चौड़े है और इसको अभी लगाकर हमको एक माह के करीब हो रहा है। और इसका जो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ, ये जो आप कली देख रहे हैं, ये जो कली है इसका, तो ये आप जो देख रहे हैं ये कली देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि लहसुन कितना बड़ा होता होगा। तो इसे हमने जहाँ से लाए तो इसे भी कश्मीरी लहसुन या पहाड़ी लहसुन ही कहा जाता है। और जैसे कि वहाँ के कुछ लोगों ने बताया हमको कि वो जो पिछले वीडियो में हमने आपको जो कश्मीरी लहसुन बताए थे, वो इसी लहसुन के नीचे कुछ गाँठें उसकी बनती है, ऐसा हमें बताया गया था। पर ये जैसे कि हमारे पास ये भी लहसुन है और जैसे कि आपको पिछले वीडियो में जो बताया था वो भी लहसुन है, तो इनका बाद में अपन देखते फसल निकलने के बाद कि एक्चुअल में क्या इनका अनुभव हमको आता है। लेकिन ये जो लहसुन आप देख रहे हैं तो ये लहसुन से पता चलता है कि बहुत ही उम्दा प्रकार का लहसुन है। और ये अगर अपने महाराष्ट्र में विदर्भ में अगर हो इसकी खेती अपन कर सकते या हो सकता है तो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वैसे दोस्तों अभी आप हम दिखा रहे हैं आपको ये दूसरे हमारे दो गमलों में देखिए, ये गाँठ वाला लहसुन, एक गाँठ बोले तो ये सेम प्याज नुमा लहसुन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके पत्ते आपको हम दिखा दें, ये इसके पत्ते की चौड़ाई देखिए और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि ये लहसुन किस प्रकार से होता होगा। तो ये और ये दो गमले में हमने ये लगाया हुआ है, इसमें आप ये देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि ये सिर्फ एक प्याज नुमा जिसमें कोई कली नहीं है, देख सकते हैं आप, ये सिर्फ एक प्याज है, इसमें कोई कली नहीं है अलग से। और ये लहसुन जैसे कि आपको बताया हमने पिछली वीडियो में बताया था, कश्मीरी लहसुन जो कि जोड़ों के दर्द, अस्थमा या कैंसर जैसी बीमारियों में उपयोग में आता है, उसी प्रकार ये लहसुन भी निरंतर सेवन करने से कैंसर, दमा, अस्थमा, जॉइंट पेन, इन रोगों से निजात मिलती है, ऐसा हमने सुना है। तो ये भी वेराइटी हम वहाँ जम्मू से लेकर आए थे कटरा से, और इनको हमने ये गमलों में उगाया है। अब इसका हमें तो अनुमान है, जैसे अभी प्याज नुमा होने के वजह से इसको लगता है प्याज जैसे फूल आएंगे शायद और बीज होंगे, क्योंकि इसको ये प्याज तो ये जो लगा हुआ गाँठ ये तो सड़ जाएगा, तो उसके बाद इसको जो नया गाँठ का या फिर नया बीज अपन जो इसको आएगा तो प्याज जैसे ही आएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि इसकी पूरी जानकारी तो हमें भी मिल नहीं पाई है फिलहाल, अगर आपके पास कोई इसकी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये लहसुन जो कि सेम प्याज जैसा है, जैसे कि गृहिणियों को जो तकलीफ़ होती है लहसुन छीलने में या कुछ करने में, इसमें सीधा प्याज नुमाए ऊपर का छिलका निकाल दिए और पीस लिए, तो ये मसालों में अपन अच्छे से यूज कर सकते हैं और कोई गृहिणियों को तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो ये दो वेराइटी हम आपको लहसुन के बारे में बताए हैं। तो आपको इनकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इनके बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।